रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंड आपको सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन है और आज हम सब यहाँ पर रॉयल टीवी के प्लेटफॉर्म पे के तवस्सुत से हम जो है आज हमने सोचा कि हम क्यों ना बाहर कहीं अपना जो है वो अरेंजमेंट करें और कहीं बाहर जाकर जो है वो ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मेरे साथ मैं हूँ सोफिया खान, और मेरे साथ जो होस्ट कर रही हैं वो हैं शायद वही। अस्सलाम और वालेकुम जी। जी, ईद मुबारक शेज़ की तरफ से आप सबको। और हम जो हमारे आज गेस्ट हैं, हमारे साथ जो आज मेहमान बैठे हैं, हम उनका भी आपको तारुफ करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो बैठी हैं बहुत खूबसूरत, बड़ी शाइस्ता सी खातून हैं, और रेकी भी करती हैं, उसके अलावा योगा एक्सपर्ट भी है, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रही हैं, रोमाना आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत वालेकुम ईद अस्सलाम, मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक थैंक यू सो हो। मच, आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत हमारी ईद शुक्रिया। की सेलिब्रेशन में आपने जो है ना वो चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो जी, मच। उसके साथ हमारे बैठी हैं। हमारे साथ हैं जी सोफिया महमूद। वेलकम सोफिया, हमारे प्रोग्राम थैंक में यू, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, और ईद आप मुबारक। हमारी बहुत माशाल्लाह वेल नोन एक्ट्रेस हैं, ऑन बहुत द वे टीवी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर चुकी ऑन द हैं। अहदे वे। वफा सीरियल में इन्होंने काम किया है जो कि बड़ा थैंक मशहूर रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे यू। प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल जारी बिल्कुल, हाँ रखेंगे। जी। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, और जो है बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बिल्डिंग एसोसिएशन के हवाले से उस पर काम भी कर रहे हैं, तो हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं जी आप? खैरियत से? वाला अलहमदुल्ला, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, और खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खैर तशरीफ मुबारक आवरी आप का। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, देखने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हम इस हम रोमाना सिलसिले से से, शुरू करें। हाँ जी जी रोमाना, आप एक बहुत अच्छी माशाल्लाह रेकी एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें बताएंगी कि क्या है, क्या रेकी लोगों को पता है बट डेफिनेटली आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर प्लीज। सकती हैं कि उसमें क्या है, सिर्फ हीलिंग है, क्या चीज़ है प्लीज़। अच्छा, देखिए बेसिकली जो है हीलिंग पर्पस के लिए भी होता है, और इट्स अ लाइफ फोर्स गिविंग एनर्जीज। यूनिवर्स से हम लोग ये एनर्जीज लेते हैं, कैच करते हैं, और बेसिकली इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। ये अच्छा पॉजिटिव एनर्जी हर इंसान के लिए दो एनर्जीज होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जो रेकी हम करते हैं वो है पॉजिटिव एनर्जी, और ये थ्रू पाम्स हम हील करते हैं। फिजिकली हम लोग रेकी देते हैं, फिजिकल होती है, एक डिस्टेंट होती है। डिस्टेंट रेकी जो होती है वो हम दूर किसी इंसान को भी भेज सकते हैं, चाहे वो मुल्क से बाहर हो या वो मुल्क के अंदर हो, बट जो फिजिकल रेकी होती है उसके लिए उस इंसान का सामने होना ज़रूरी है। और वो अच्छा किस तरह से होता है कि हमारे पाम से जो हीट जाती है, क्योंकि 7 मेजर चक्रास होते हैं हर इंसान के, 7 मेजर चक्रास पे जब हम हाथ रखते हैं अपना, तो उसी हाथ से जो हीट निकलती है एक्चुअली वही रेकी होती है, और वो इट्स लाइक अ हीलिंग पैड, वो आपको हील अच्छा करती है। हीलिंग से, सॉरी जी सॉरी टू जी कट यू ओवर हियर। एक्चुअली जी मैं एक चीज सोच रही थी कि जैसे कि अब कोविड का दौर जी चल जी रहा है, तो ये जी पाम से पाम मिलना जो जी है तो वो वो तो बड़ा उसके लिए, खतरनाक हो एग्जैक्टली, यू गया। आर टोटली राइट। एक्चुअली उसके लिए ये होता है कि हम डिस्टेंट रेकी कर देते हैं। तो अभी आजकल मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, तो ऑनलाइन भी हो रहा है इसमें, और हम लोग डिस्टेंट भी कर रहे हैं कहाँ पर है आपका इंस्टीट्यूट? 11-2 में। 11-2 हाँ में, जी और स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी आपके जी पास बिल्कुल, हर उम्र स्टूडेंट्स के? आ रहे तो हैं जितनी बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जी आप जी अपने में तो नहीं ले जी लेती हैं, क्योंकि ऐसा होता है है, तो होता हाँ है ना ऐसा ये? होता हाँ है, जी बिल्कुल, बिल्कुल मैंने ऐसा होता है। उसके बाद बल्कि मुझे हीलिंग की शदीद ज़रूरत होती है, हाँ बिकॉज जो डेफिनेटली। नेगेटिविटी, जो भी क्लाइंट आता है डेफिनेटली वो डिप्रेस्ड होता है, उसे कोई ना कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, जो वो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो छोड़ के जाते हैं मेरी तो फिर तरफ। आपको कौन हेल्प आउट करता है? मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं वगैरह जो जो फिर वो इसमें मुझे हैं हील कर लेते ऑलरेडी हैं। इन्वॉल्व? हाँ आप रोमाना जब आप ही करती हैं रेकी, क्योंकि मैं भी करा जी चुकी हूँ, तो जी आप लोग कुछ पढ़ाई करते हैं ना? देखिए ये बेसिकली जैपनीज टेक्निक है, अच्छा तो उनके भी कुछ सिंबल्स हैं जो ड्रॉ करने होते हैं, और इसके अलावा मैंने अपनी सूराज है जो हमारी सूरह इखलास, सूरह फातिहा अच्छा जो शिफा देती है, तो वो अच्छा सूराज मैंने इंक्लूड की गई है, अच्छा तो अच्छा उससे अभी काफी हम रेकी फायदा के होता हवाले है। से भी गुफ्तगू करेंगे। जी सोफिया जी बैठी हैं। सोफिया आप जी पहले सबसे पहले तो ये बताएं जी कि ईद का समा है, ईद चल रही है, रोजे तो लगे हैं ईद, आपको? हाँ रोजे रोजे कैसे बहुत अच्छे लगे रहे माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी जा रही है? ईदी वीदी दे आई है? ईद वगैरह, हाँ वो तो सारा हो जाता है, सुबह बट सुबह ही शुरू हो जाते ऑब्वियसली, हैं ना हाँ बच्चे सुबह फैमिली सुबह हो में जो जाता है, भी है। बट यू नो बिकॉज ऑफ कोरोना ये काफी बहुत ही लिमिटेड तरीके से और टाइम से चलना होता है, जस्ट फैमिली जिसको कहते हैं तो हम। आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं टीवी के हवाले से अभी जो भी रिसेंटली है? खत्म हुए हैं, अभी अच्छा, तो भी रिसेंटली हुए कौन हैं, और से प्रोजेक्ट्स पे इंशाल्लाह काम कर रही हैं? हम टीवी के साथ हम ही? जीवी के साथ जी अच्छा बिल्कुल, अच्छा सिंस द लास्ट 4 इयर्स नाउ, सिंस अच्छा 2019 इनफैक्ट।
उससे पहले आई डन इट फॉर पीटीवी होम और जियो पे भी मेरा एक चला है. सो वो 2014 15 16 का टाइम था. आरजे भी रह चुकी है ना आप? आरजे में रह चुकी हूँ बहुत. 2015 में मैंने छोड़ दिया था जब टीवी का ज्यादा काम शुरू हुआ था. हालांकि आई वाज नॉट द टीवी पर्सन नहीं था. हाँ नहीं था मेरा बट आई Well, I went for it. तो अब आप लोगों के सामने ही है. कोशिश कर रहे हैं. आपके upcoming projects Sophia अभी? अभी I'm working on some. अच्छा. जो ईद के बाद start. Teleplays हैं या serial series हैं? नहीं, ये भी I think serials हैं. हाँ. Okay. Because they're still under work. तो उनके डायरेक्टर साहब और उन लोगों से तो मुलाकात हो चुकी है. अच्छा. बट बिकॉज ऑफ रमजान एंड ईद एंड आल्सो व्हेन दे'ल फिनिश विद देयर वर्क तो फिर हम लोग. एंड यू आर बेस्ड इन इस्लामाबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट. तो आप इस्लामाबाद में ही करती हैं या कराची लाहौर का भी? अभी कराची में नहीं गई हूँ. क्योंकि कराची में स्कोप आपको पता है बहुत ज्यादा है. हमारे इस्लामाबाद में जरा थोड़ा सा कम है. लेकिन ये सारे इस्लामाबाद से उठ के कराची चले जाएंगे तो इस्लामाबाद क्या करेंगे? और सबसे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगी क्योंकि जब हमारे पास गेस्ट नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कराची से बुलवाया करेंगे. गुड न्यूज हियर इज कि काफी हद तक यहाँ से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं. अब बहुत ज्यादा शुरू हो गए. बिल्कुल बिल्कुल. तो उससे आई थिंक हम लोगों के लिए भी बड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है कि हमें कहीं जाना नहीं कहीं जाना अपलूट होके नहीं जाना पड़ता. हाँ, उसकी मिसाल हम जहाँ पर बैठे हैं नोमान मसूद जो कि ठीक है वो भी कराची में सेटल्ड हो गए थे लेकिन अभी वो इन्होंने इस्लामाबाद में अपना ये शुरू किया रेस्टोरेंट. तो हम उनको बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं देते हैं और बहुत ज्यादा विशेज हैं हमारी गुड विशेज उनके साथ कि अल्लाह उनके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले. हम डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को जो है ना ईद मुबारक भी कहते हैं. और सर आपसे पूछना चाहते हैं कि ओसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो क्या काम करती है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो हम रोजगार मुहैया करते हैं, लोगों को दुकानें देते हैं, फिर रिहायश का बंदोबस्त करते हैं और इसी तरह हम इस्लामाबाद में काफ़ी चीज़ें बना के डेवलप की हैं और लोगों को दिया है. मगर ये तो क्योंकि कारोबारी प्रोग्राम नहीं है, ये तो ईद के हवाले से है. ईद तो देखें, ईद वाले दिन तो जो रोज़ेदार हैं असल में उनकी ईद होती है, उनके अंदर जो फीलिंग और खुशी होती है वो एक अपनी मिसाल आप होती है. उसके बाद बच्चों की ईद होती है. बच्चे जो हैं उनके अंदर ज़्यादातर वैसे ही खुशियों का अंबार लगा होता है. उनके अंदर एक चीज़ होती है कि हमने पैसे लेने हैं और पैसे लेके हमने मुख्तलिफ चीज़ें खरीदनी हैं और उनके अंदर नेगेटिव चीज़ें कम होती हैं, पॉजिटिव बहुत होती हैं और खुशी की लहर में होते हैं, मौज मस्ती में होते हैं. इसी को वो ईद इस तरह सेलिब्रेट करते हैं और ख़ास तौर पे जो उनको घर में माहौल मिलता है जब बुज़ुर्ग बाहर से नमाज़ पढ़ के आते हैं तो आगे बच्चे मिलते हैं और इकट्ठे होते हैं, फिर सेवियाँ वगैरह खाई जाती हैं और बच्चों फिर को ईद का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, पैसे देने लेने और इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है. अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताइएगा, जी जी, ईद का दिन है, हम ये भी यही जानना चाह रहे थे कि आपको हमने मधु किया अपने प्रोग्राम में, तो हम ये भी जानना चाह रहे थे कि गौसिया इंटरनेशनल बेसिकली करता क्या है ताकि लोग भी जान सके इस बारे में. और दूसरा ये कि ईद के हवाले से आपने लोगों के लिए क्या जो है वो जो आप कह रहे हैं कि आप रोजगार मुहैया करते हैं तो ईद पर क्या फैसिलिटेट किया आपने लोगों? हमने ये है कि ईद के पहले तो गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अरसा 25 साल से एफ्टन मरकज में मेरा ऑफिस है. मैं ये इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में प्लाजे बना के डिलीवर कर चुका हूँ और अब भी कर रहे हैं. तो ईद के हवाले से ये है कि हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि जो स्टाफ है और जो बाहर लेबर काम कर रही है और उसके अलावा जो हमारे साथ जितने भी मुंसलिक लोग हैं उनको हम ईद भी देते हैं और साथ बोनस देते हैं और बोनस के अलावा उनको छुट्टियां भी देते हैं और तन्हाइयां भी देते हैं. सही, ये तो बहुत अच्छा. या हमारे ऑफिस वालों को भी समझा दो. ये आप लोग ये तो एनजीओ के ना एनजीओस भी हैं आपके? नहीं नहीं, मेरा एनजीओ से तल्लक तो नहीं, तो मैं पीछे भी नहीं क्योंकि जो भी मैं करता हूँ, जो भी खिदमत खलक करता हूँ, जो भी ये सारी मैं अपने अजीज़ो कारब और दोस्त अलगाबाब
जो इनको मैं जानता हूँ कि ये मुस्तहिक है, जिस चीज की उसकी ख्वाहिश होती है उसको जो वो जाहिर नहीं कर सकता, मुझे पता चलता है कि मेरे भाई को इस चीज की जरूरत है, बहन को इस चीज की जरूरत है। ये जो अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हुए हैं उनकी कदर कर, जो करता है उसे एहसास होता है कि इसको किस चीज की कमी है। सही बात। जब आपके अंदर एहसास ही नहीं होगा तो आप महसूस कैसे करेंगे कि इसको किस चीज की कमी है, और उसको चुपके से उसकी मदद करना ये बहुत ही अजर है। एहसास बहुत जरूरी है, और किसी की खुशी में शामिल होना दूसरे की खुशी में इजाफे की में इजाफा हो जाता है। सही बात है। और जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगन्स एट होम, तो जाहिर सी बात आप तो अपने आज कल पिछली ईद और इस ईद में थोड़ा सा फर्क है, कोरोना की वजह से लोगों में काफी शौहर आ गया है, के बच्चों में भी आ गया माशाल्लाह। अब तो वो छोटे बच्चे जो हैं 2 साल से लेकर जितने भी छोटे छोटे हैं वो ज्यादा केयर करते हैं, बल्कि जब हम घर आते हैं तो छोटे बच्चे कहते हैं हाथ नहीं मिलाना, पहले वॉशरूम में जाएं, कपड़े ड्रेस हाथ धोएं, फिर हम सलाम कलाम करें। ये बच्चों की फीलिंग हो गई है, इस हद तक बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, बच्चे के अलावा बड़े मैच्योर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना पे हमने ना सिर्फ गवर्नमेंट ने कवर किया और बल्कि लोगों ने खुद में इतनी अवेयरनेस आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है, दुआएं हैं, प्रेज है। मेरा ख्याल है जो 5 वक्त में वजू करता है, नमाज पढ़ता है, मुसवाक करता है, अपने आप को साफ सुथरा रखता है, तो उसको कोरोना क्या कोई चीज भी उसके पास बला भी नहीं आ सकती। जी हम यही बात अब रुमाना आप बताइएगा, कोरोना वायरस है और COVID-19 की वजह से लोग बड़े डिस्टर्ब भी रहे हैं। पिछले साल तो बहुत ज्यादा थे, अब थोड़ा कम हो गया है। मुझे याद है सोफिया हमारे पास पिछले साल भी हमारे प्रोग्राम में शामिल थी, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, फिर जो है वो इसका जो वेव है वो बड़ी तेज किस्म की आई है, तो आप बताएं कि आपकी ईद की सेलिब्रेशंस किस तरह हो रही हैं, कैसे आप जो है वो फॉलो कर रही हैं? काफी मुहतात तरीके से SOPs को फॉलो करना चाहिए, मेरे ख्याल से हर एक को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे नमाज है वो जरूरी है, मस्जिद में लोग जाते हैं, बट वो SOPs को फॉलो करेंगे तो सब ठीक बेहतर ही रहेगा मेरे ख्याल से। और कोरोना का देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो आपके फियर्स होते हैं ना किसी भी डिजीज के बारे में, आपको फियर्स एक्चुअली ले डूबते हैं। आप जितना डरते हैं, जितना खौफ होता है ना आपको एक चीज का, वो जरूर आपके ऊपर आती है। इसीलिए क्यों बोलते हैं पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचें, जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। जितना आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, और आजकल देखिए हमारे यहाँ पे इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमिया के इश्यूज हो चुके हैं, मतलब लोगों को लॉकडाउन में तो ये ज्यादा बढ़ जाता है वैसे। बिल्कुल। तो आज आपने ईद पे कैसी सेलिब्रेशंस की, क्या पका के आई हैं या क्या खा के आई हैं? बस हम लोग जो ये का जो पहला दिन है आपने क्या लेके आई हैं? सही बात, छोटी ईद क्योंकि शायद तो बहुत कुछ लेकर आई थी, अभी बहुत ज्यादा अभी बनते ही मेरे ख्याल से हम सब ये असल में ये तो बच्चों की ईद होती है, और वही बात है कि जो रोजे हम 30 दिन रखते हैं माशाल्लाह से, तो वो हमारी सेलिब्रेशन होती है कि हम फिर उसके बाद छोटी ईद अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो वही सेवैया ज्यादातर हमारे यहाँ मीठा ही होता है, मीठी ईद है ना, तो वो बना के और फिर साथ में शीर खोरमा और ये सारी चीजें छोटी मोटी में साथ में करके तो मेहमानों को खुशियां तो बांटनी है। बिल्कुल। सोफिया आप बताएं, आप लोग अभी कोविड में आप लोग रिकॉर्डिंग्स कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो क्या क्या हालात, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे थे? एक्चुअली ये जो रिकॉर्डिंग्स डे वन से चल रही है, जब लास्ट ईयर कोरोना शुरू हुआ था, और बहुत स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो होती रही हैं, एब्सोल्युटली। और स्पेशली ये जो हमारा क्रू होता है, सारा स्टाफ होता है, दे आर मोर इनटू इट। ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट जिसने कैमरे के सामने आना है, बोलना है, सो काफी हाथों का सैनिटाइज करके रखना, बिकॉज कोई जिस लोकेशन पे आप होते हैं आप अपने आप को उसके हिसाब से रख सकते हैं। इट्स नॉट कि आप वहाँ पे हाथ नहीं धो सकते, सो लाइक यस SOPs आर फॉलोड कभी भी हमेशा। अच्छा अच्छा, तो मास्क वगैरह पहने होते हैं? हाँ, ड्रामे में मास्क पहने नहीं, जो क्रू होता है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने इतना गैप करके बिठाया, क्योंकि आप यू नेवर नो कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जल्दी से कोविड से जान छूटे सबकी। उस हिंड्रेंस थोड़ा सा फील तो होता है, घबराहट तो होता है, स्पेशली जब लास्ट ईयर शुरू हुआ है, वी डिड नॉट नो कि क्या है। हाँ, और किस तरह कब किसको हो जाए। अब मुझे लगता है अब लोग
काफी यूज्ड टू भी हो चुके हैं ना, क्योंकि न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ, आई नो, बिल्कुल, जी जी जी, अपने मास्क भी पहनने, सैनिटाइज भी करके रखना हाथों को, नो यू हैव टू बी केयरफुल, हां, तो लाइफ, क्योंकि आपकी आप फुल स्टॉप नहीं लग सकता आपकी लाइफ को, यू हैव टू, हां बिल्कुल। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं, बताएं कुछ कुछ याद आ गया आपको? नहीं, इतने प्रेजेंट मोमेंट्स हैं कि सारी फ्रेंड्स साथ बैठी हुई हैं और इतना अच्छा कहते हैं ना। मैं अभी बिल्कुल ये कह रही थी कि आप जब सिग्नल्स में बच्चे जो फिर रहे होते हैं, सबने मास्क लगाए होते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, बट दे नो कि किस तरह से सारा अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। बस एक एसओपीस करें और काम करते रहें, कि काम नहीं रुक सकता ना, काम बिल्कुल, जी जी जी। और डॉक्टर साहब आप बताइए, जब आप लोग ऑफिस में अपने सारे काम वगैरह आप लोग कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आप लोग भी डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, नए नए लोग आते होंगे आपके पास, तो आप लोगों को भी जाहिर की बात है बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता होगा, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? पहली बात तो यह है, जो आदमी जितने भी मिलने आते हैं उनको पता है कि अब हमने ऑफिस में जाना है तो किस तरह बैठना है, कितना फासला रखना है, हमने उस तरह का माहौल पैदा किया होता है, अपनी कुर्सी से 6 फुट कुर्सी दूसरी साइड पर रखते हैं और 6 फुट उधर रखते हैं, फासला रखते हैं, स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों का, ख़ास तौर पर हम खुराक का जो है ना, मैं ये एक बात करता हूँ कि ये ईद वाले दिन खास तौर पे चिकन का इस्तेमाल बहुत कम करें, चिकन ज़्यादा खाने से भी वायरस जो है ना वो मुख्तलिफ मर्ज़ें इंसान के अंदर पैदा होती हैं, इंसान को किसी किस्म की भी कोई भी बॉडी के अंदर ज़रा सी भी प्रॉब्लम होगी तो उसको फौरन पैगाम मिलेगा, मिसाल के तौर पर हम बैठे हैं नीचे मच्छर काटेगा फौरन मैसेज आएगा कि मुझे मच्छर ने काटा है या कोई तकलीफ हुई है। जब हम खाना खाते हैं, अल्लाह ताला ने इस मेदे के अंदर ऐसी कैपेसिटी रखी है कि हम महसूस नहीं कर सकते उस वक्त जब हम खाना खा रहे होते हैं, उसके बाद तो उसके बाद हमें कम से कम आधा घंटा एक घंटे बाद महसूस होता है, भारीपन होता है, गैस होती है और तकलीफ महसूस होती है, वो इसलिए होती है कि हमने खाना ज्यादा खाया होता है। तो मैं सब दोस्तों को जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, ईद वाला दिन है, खुशी का दिन है, सारा दिन आपने खाना है, खास तौर पे जिन्होंने रोजे रखे हैं वो ज्यादातर अपना खास ख्याल रखें, थोड़ा खाएं, पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और मेदे को यूं समझें कि ये एक हमने एक एक ये है एक मेदा, इसको अगर हम बहुत ज़्यादा यहाँ तक हमने इसको फिल करना, अब जो जो आप खाना खाते जाएंगे यूं होता जाएगा, अगर ये बिल्कुल ही ऐसे फैल गया तो तकलीफ ही होगी पेट में और तो कुछ नहीं होगा। ये मैंने तो एक मिसाल दी, डॉक्टरी नुस्खे भी हमें मिल रहे हैं, और डॉक्टरी भी ईद वाले दिन डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब से, और ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टमक का आपको ख्याल रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने कितना खाना है, मेरी कितनी कैपेसिटी है, क्यों रुमाना दूसरा मैं कथा कला, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद वाले दिन ज्यादातर एक कमरे में 5-4 से ज्यादा ना हो, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल है आप फेसबुक में बात कर सकते हैं, आप बाहर है कोई तो उससे बात कर सकते हैं, घर से दूसरे अजीज को अगर मिलना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे बात करें, सवाए इसके कि आप बात कर रहे हैं वो आपको दे रहा है आप उसको दे रही है, सिर्फ आप एक दूसरे को थप्पड़ नहीं दे सकते, बाकी सब कुछ हो सकता है। सही जी, बिल्कुल आपने अच्छा कहा जी। रुमाना अब आप बताएं आपका क्या कहना है इस बारे में। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि रमजान के बाद लोगों ने अपना जो पेट है ना बड़ा तरीके से उसका खाना पीना जो है इस्तेमाल, अपना पेट समझ के नहीं ना खाते, सारों के जमा हो इतना खाते हैं, ठीक है 70% तो वाटर ही है आपका ना, तो आप पानी पिए बट तरीके से पिए, क्योंकि आप इतना ढेर सारे तो पानी पी लेते हैं, और दूसरी बात ये जो ड्रिंक्स हम पी लेते हैं वो ठीक नहीं है, और खाना आप जो खाए, मेरा से वेजिटेबल्स, मैं खुद वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, खाती हूँ, तो वेजिटेबल्स हो गए, और अगर व्हाइट मीट आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कर लें, बीफ का थोड़ा सा इस्तेमाल कम कर लें आप, सही कह रही हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आप जितना एहतियात करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, आपकी बॉडी भी आपको बता देती है, क्यों सोफिया आप बताइएगा।
मेरे ख्याल में ईद के एक दो दिन तो हमें मार्जिन मिल ले लेना चाहिए खाने पीने का, है ना? ईद का मौका होता है उसके बाद वी कैन रिलैक्स। देखिए ईद का मौका हम भी 3-4-5 और अभी हमारा क्रू भी है 10 लोग तो ऑलमोस्ट है। अच्छा, दरअसल ये सूरत हाल ये है की दोस्ताना माहौल हो, ईद हो, खुशी का मौका हो, शादी हो, या कहीं मिल के बैठे हैं, खाने का माहौल हो या बातों का हो, ये जरूर से ज्यादा हो जाता है ना चाहते हुए भी। सही बात है, जी जी बिल्कुल, ये ना चाहते हुए ना चाहते हुए बातें भी ज्यादा होती हैं और खाना और भी ज्यादा खाया जाता है। की बात है कि शायद कैसे खामोश हैं। हाँ, मैं इनको मौका दे रही हूँ कि ये लोग बोले ना। नहीं नहीं, माशाल्लाह ये तो शायद आप बताइए कि आपका रमजान कैसा गुजरा और ईद की सेलिब्रेशन। रमजान बहुत अच्छा गुजरा, नहीं मैं काश में लगा सकती लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लग गई। तो रमजान बहुत अच्छा गुजरा और ईद तो आपके साथ हूँ तो जरूर अच्छी गुजर रही है। बहुत अच्छी थी ईद की सेलिब्रेशन, अच्छी और इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी शख्सियत डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे। रुमाना, मेरे ख्याल आप एडवोकेट भी हैं एंड आप रेकी एक्सपर्ट भी हैं और मेरे ख्याल एक और सोशल वर्क भी आप करती है ना, आपकी फाउंडेशन का नाम जी फाउंडेशन। बहुत अच्छी बात है, आप भी और मैं खुद भी वैसे सोशल वर्क भी करती हूँ इसके अलावा। और सोफिया आप तो हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए करती हैं आप माशाल्लाह टीवी पे, तो वो तो वैसे मैंने किया है फ्रीलांस सोशल वर्किंग। हमारा अर्थक्वेक जब आया था उस वक्त मैंने मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा किया था, दिल कर रहा था करने को, बिल्कुल बैठने को दिल नहीं, बिल्कुल इट वाज लाइक रीचिंग आउट के लोगों की हेल्प की जाए, सपोर्ट की जाए। मेरा ख्याल अगर हर बंदा चाहे कुछ भी छोटा सा भी करे ना, इंडिविजुअल भी करे, ट्रेली यू नो काउंट्स अ लॉट के हर बंदा अगर करे तो इंडिविजुअली भी किया जा सकता है। आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करें और आगे उसको लेके जाएं, और ये एक जो COVID-19 वाला जो सेशन ये स्टार्ट हुआ है ये हमें यही बता रहा है कि एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि लॉकडाउन में बैठ के हमें फील होता है कि लोगों से ही दुनिया भरी भरी लगती है। विदाउट पीपल यू कैन नॉट सर्वाइव, यू नो। ये अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो सोबिया की यहाँ पे कितनी डेथ्स ऐसी हुई है हमारे दाएं बाएं कहीं दूर आर पार करीब सब कोरोना की वजह से हुई है, और इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि पीपल हैव जस्ट गॉन। बिल्कुल बिल्कुल, हाथों से जैसा कहते हैं बिल्कुल, आप यकीन नहीं करते ना जब तक आप खुद ना देखें जी हमारी अपनी भी। आई थिंक हमें रिलेशनशिप जो हमारे हैं आपस के बहन भाई हैं जो भी फैमिलीज हैं फ्रेंड्स हैं ये छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती है लेकिन उसको उतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, उसको चेरिश करना चाहिए। वैसे ईद का मौका है कतक लाग माफ हम इससे हटके खुशी खुशी वाली बातें करें ताकि ऐसी बातें करनी चाहिए, खाने पीने की बातें। भूख तो नहीं लग रही, नहीं मुझे भूख तो नहीं लग रही डॉक्टर साहब, हमें तो ईद वाले दो एक तीन दिन तो हमें मिलना चाहिए ना, रिलैक्स रिलैक्स कि हमें खाए सही तरह से खा सके। आप 10 मिनट के लिए कोरोना को एक साइड पे करें और अच्छे अच्छी ऐसी बातें पॉजिटिव हम करते हैं जो कोरोना का तहफ्फुज़ करें, तो ये इसमें खाने का भी आ गया, सफाई सुथराई का भी आ गया, और किस तरह मिलना बैठ रहे हैं वो भी आ गई, सारी चीजें आ गई। मगर एक चीज है कि जो अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं उन पे नजर रखें, एहसास करें, उनको छुप के मदद करें, उनका उन पे हाथ रखें शफकत का, खास तौर पे यतीम और गरीब के हाथ रखेंगे तो अल्लाह 70 गुना आपको देगा। ये मैंने आजमाया हुआ है, जो बात आपसे सर कर रहा हूँ मैं इस काबिल नहीं था जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये अब हमारे पास टाइम भी कम है, रुमाना आप कोई मैसेज देना चाहेंगी ईद के हवाले से एज अ योगा एक्सपर्ट, एज अ रेकी एक्सपर्ट, और जो भी आप समझती हैं सोशल वर्कर या एडवोकेट, आप क्या अपनी जनरेशन को? मैं यही कहूंगी कि एक दूसरे की काम आए और स्पेशली अपने खानदान से अपने रिलेटिव से स्टार्ट लें। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनको खाना भी नसीब नहीं होता, तो आप कम अज कम मतलब थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखा दें, थोड़ा सा कर लें आप। और दूसरा अपनी सेहत का ख्याल इस तरह से रखें कि रोजे बेशक गुजर गए हैं, खाना अब पूरी जिंदगी आपने खुल के खाना है, तो बहुत तरीके से खाएं आप, थोड़ा सा तरीके आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज तो यही है कि जी खुश रहें सारे,
यही मैसेज है कि आप अपने मुल्क के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मुखलस और मोहब्बत से पेश आए और अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आमीन आमीन जी। शायद अब यहाँ पर ब्रेक का वक्त है। मैं अपने तमाम मेहमानों से जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत इजाज़त भी चाहती हूँ कि अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक वंस अगेन। और यहाँ पर वक्फा हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद शायद वहीद और सोबिया खान रॉयल टीवी के प्लेटफॉर्म से। स्टे विद अस।